रुक करते हैं राजनीतिक खबरों का। आपको बता दें महाराष्ट्र की बात, जहां की राजधानी मुंबई में आज छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा के मामले में पॉलिटिकल तापमान हाई रहा। एमवीए और बीजेपी दोनों तरफ के नेता सड़क पर उतर आए। अब सोचिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे दिग्गजों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है, शायद इसीलिए सूबे में सियासी हलचल इतनी तेज है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर माफी मांगी, लेकिन उसके बाद ये मामला शांत होने के बजाय और गर्म हो गया। महाविकास अघाड़ी और बीजेपी दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं। आज मुंबई के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सड़कों पर उतरे। शरद पवार और सुप्रिया सुले इस प्रदर्शन में शामिल। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी पहुंचे। तीनों दलों के तमाम दिग्गज जब एक साथ उतरे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आप खुद सोचिए, हाल के वर्षों में आपने कितनी बार उद्धव ठाकरे को इस तरह किसी मार्च में शामिल होते देखा? आपने कितनी बार शरद पवार को सड़क पर उतरते देखा? ऐसे मौके कितनी बार आए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत को हिला दिया है। सूबे के लोगों में छत्रपति का दर्जा भगवान से कम नहीं, मतलब ये मुद्दा लोगों के इमोशन से जुड़ा है, ये बात नेता भी जानते हैं। ऐसे में चुनावी माहौल में वो इसे भुनाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। मुंबई में हुतात्मा चौक पर सारे नेता इकट्ठा हुए, फिर नारेबाजी करते हुए वो गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचे। फिर उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी की माफी पर हमला बोला। आज आपल्या मनातला संताप व्यक्त करण्यासाठी आपण हे जे काही ठिकाण निवडलेलं आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत आणि गेटवे ऑफ इंडिया म्हणजे आपल्या देशाचा प्रवेशद्वार, आज या तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने हे जे शिवद्रोही सरकार आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बेकायदेशीररित्या घटनाबाह्य पद्धतीने बसलेलं आहे, त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की गेट आउट ऑफ इंडिया, गेट आउट, गेट आउट ऑफ इंडिया। महाविकास अघाड़ी प्रतिमा टूटने को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बता रही है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि पीएम की माफी से काम नहीं चलेगा। वो ये बताएं कि उन्होंने माफी किस चीज के लिए मांगी। वैसे चुप बीजेपी भी नहीं बैठी। महाविकास अघाड़ी के खिलाफ मुंबई में बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में एमवीए पर राजनीति करने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए उद्धव और शरद पवार को अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। कांग्रेस ने ज्या प्रकारे मध्य प्रदेश मध्ये छत्रपति शिवाजी महाराजांचा पुतळा बुलडोजर लावून त्या ठिकाणी तोडला, त्याच्यावर शरद पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब का मुख गळून बसले आहेत? कर्नाटक मध्ये ज्या प्रकारे कांग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवला, त्याबद्दल ते एक शब्दही का बोलत नाही, पहिले याचं उत्तर दिलं पाहिजे। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई थी, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।